राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान में फिर बड़ी है ठिठुरन। कई जिलों में आज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी हुई है जारी। राजस्थान में बारिश का दौर शुरू हो गया, जिसके चलते एक बार फिर प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है। इसी के चलते आज भी बारिश जारी रहेगी। पिछले दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में मावट की बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे लोगों की फसलों को काफी नुकसान हुआ। वही मौसम विभाग के अनुसार राज्य के भरतपुर, जयपुर और कोटा जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ साथ राजस्थान में यहाँ पर कुछ इलाकों में यहाँ पर घना कोहरा छाया रहेगा। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में बादल बरस रहे हैं, इससे यहाँ पर प्रदेश में ठंड जो है बढ़ गई है। ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वही बारिश की बात करें तो अजमेर के ब्यावर और पुष्कर, मसूदा, कैकड़ी और इसके अलावा किशनगढ़, रूपरगढ़, पिसांगढ़ में 25 एमएम से लेकर 158 एमएम तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। 55 एमएम से लेकर 58 एमएम तक बारिश हुई है। इसके अलावा जयपुर के सापरा और इसके अलावा बस्सी, चोकसू और माधुराजपुरा और इसके अलावा सिरोही के अबरूड और सीकर के दातारामगढ़ में 25 से लेकर 70 एमएम तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वही बीती रात प्रदेश के राजधानी जयपुर, कोटा, करौली और उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में जबरदस्त बारिश हुई। इसके चलते यहाँ पर उदयपुर के कई इलाकों में बरसात होने के साथ ओले यहाँ पर गिरे, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वही कोटा में बारिश के कारण यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोटा में बारिश के साथ कई गांवों में ओले भी गिरे हैं। वही मौसम विभाग ने आज भी राजस्थान के अलवर, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, बूंदी और करौली, दौसा जिलों में बारिश की संभावना जताई है। यानी मौसम विभाग ने राजस्थान के आज कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली, दौसा में बारिश की चेतावनी दी है। वही बारिश होने के साथ ही राजस्थान में एक बार फिर यहाँ पर ठंड, गलन और कोहरा जो है बढ़ जाएगा, यानी धुंध जो है बढ़ गई है। इसके चलते यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर हवाएं भी यहाँ पर चलने लगी है, जो लोगों को परेशान कर रही है। वही किसानों को यहाँ पर बारिश के कारण जो ओलावृष्टि हुई है, इसके कारण फसलों को काफी किसानों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। वही मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में फिर मौसम बदलने के आसार जताए हैं। मौसम में एक बार फिर बदलाव होगा, सर्दी जो है और तेज होने की संभावना जताई है। वही कई इलाकों में यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है। पर्वत सर में भी कल 78 एमएम तक बारिश हुई है। बारिश के बाद सर्दी यहाँ पर तेज हो चुकी है, तापमान में गिरावट आई। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवा का दबाव बढ़ने से पर्वत सर में मावट की बारिश हुई। वह जनवरी माह में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड जो है इस बार टूट गया है। पर्वत सर में 78 एमएम बारिश हुई। इसी तरह कुचामन और नामवा तहसीलों में भी 38 एमएम बारिश हुई है। वह मावट से फसलों को यहाँ पर नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, इससे फसलों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। दरअसल मौसम विभाग केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में आज से आगामी एक हफ्ते तक यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा और उत्तरी हवा के यहाँ पर प्रदेश के कुछ इलाकों में हम मौसम की बात कर रहे हैं, मौसम शुष्क रहेगा। वही उत्तरी हवा के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री गिरावट होगी। वही उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा और सुबह के समय यहाँ पर घना कोहरा और धुंध जो है तेज होने के आसार जताए गए हैं। यानी धुंध जो है तेज यहाँ पर होने के आसार है। वही झालावाड़ के झालरापाटन में बारिश के साथ ओले गिरे हैं, फसलों को यहाँ पर नुकसान हुआ, जनजीवन भी प्रभावित हुआ। दरअसल झालरापाटन शहर के आसपास के इलाकों में, ग्रामीण के इलाकों में यहाँ पर जो ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पर बारिश का जोरदार प्रकोप देखने को मिला। बारिश के साथ ओलावृष्टि से यहाँ पर फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जो किसानों की फसल है उनको काफी नुकसान हुआ है। वही सीकर में भी यहाँ पर मावट के बाद कई इलाकों में कोहरा छा गया है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हुआ है। वही फतेहपुर का इलाकों में कोहरा भी यहाँ पर छाया रहा। हालांकि यहाँ पर जो धूप है, धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत यहाँ पर मिली। दिन में जो धूप निकली थी उसमें यहाँ पर लोगों को थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान सर्दी जो है राजस्थान में और बढ़ेगी और तापमान में और गिरावट होने के आसार है। अभी जो है यहाँ पर तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। ओस और धुंध ने यहाँ पर लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है।